इसमें जो मर्कज रहा है इंसान का कम्युनिकेट करना हो गया, और कम्युनिकेट करना इस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हुआ, इदारों का दूसरे इदारे से कम्युनिकेट करना हुआ, मुल्कों का दूसरे ममालिक से कम्युनिकेट करना हुआ, या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसमें यह रहा कि इंसान ने कंप्यूटर इजाद किया, कि जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर बाकायदा आगाज हुआ था तो कंप्यूटर का साइज बड़ा ह्यूज था। अभी हम मेमोरी शिप में ना मेरा ख्याल एक मेमोरी जो होती है उसमें हम डाटा स्टोर कर लेते हैं, ये बड़ा फर्क नुमाया हुआ है। इसके अलावा ये कि डीएनए इंसान ने दरियाफ्त किया, डीएनए में से भी कम्युनिकेशन है क्योंकि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही होती है चीज दौर से। इस दौर के बाद ये प्रेडिक्शन है इस दौर के बाद शुरू होगा नैनो टेक्नोलॉजी का दौर होगा। नैनो कह रहे हैं माइक्रो लेवल पे चीजें, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट इन सबको अगर जमा कर दिया जाए तो साइबर कह रहे हैं, मतलब इतने में नैनो क्या। और रेवोल्यूशन के बारे में तो आपको पता ही है, ये सर रेवोल्यूशन जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरह एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया था इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के अंदर ये साइबर रेवोल्यूशन मौजूद है। बिल अमू हम जो फवायद हासिल कर रहे होते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन से और सोशल मीडिया से, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो। मैं एक बात मजीद शेयर करूँ आपसे क्योंकि बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया, वी आर वर्किंग फॉर द एनहांसमेंट ऑफ बायलेटरल ट्रेड एक्टिविटीज बिटवीन आवर टू कंट्रीज, एंड वेयर एवर देयर इज अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट वी ऑल्सो आर ऑपरेशनल देयर। और साउथ कोरिया के बारे में आपको इल्म हो तो तुर्की में आजाद हुआ था, और हमारे ही एक मुफक्किर ने इसको फाइनल प्लान किया था डॉक्टर मंजू ने, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया था उस जमाने में, और इन्होंने ओपिनियन इंक्लूड कर दिया। कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, ज्वाइन कर लिया जैसे अभी मैंने सवाल किया था उससे रेहान साहब से कि वेयर वी आर नाउ, तो वो जानने के लिए आप कहां पर हैं। आप सबसे पहले जैसे मैं अगर मेरी ट्रेन में जा रहा हूँ और मेरी आंख लग जाती है और किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, सबसे पहले मैं उसे देखता हूँ कहाँ रुकी हुई है, हूँ कहाँ, मैं किस जगह खड़ा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना प्लान करता हूँ कि अच्छा इतना टाइम रहेगा तो मैं पैकिंग कर लूँ, नहीं इतना टाइम रहेगा तो मैं नाश्ता कर लूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन को सबसे पहले खामोशी से बैठ के सुनने, तब तक आप फैमिलियर होते हैं उसके टूल्स से, जब तक आप फैमिलियर होते हैं उसके टूल्स से तब तक आप सुन के का मतलब अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये बात होगी, ये ओपिनियन कौन की बात की हुई थी उस वर्कशॉप में, तो ये दिख रहा है अच्छा इस पर इस तरीके से हो रहा है, अच्छा इस पर कमेंट्स इस तरीके से किए जाते हैं, अच्छा इसको फ्रेंड्स में शेयर इस तरह से किए जा सकते हैं, जो कि अभी समरी बताएंगे। और जब हम सुनेंगे तो यकीन मिलेगा। समटाइम्स बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं जब फेसबुक पे आया तो फेसबुक से इंतहा दर्जे का मैं एलर्जिक था, मैं देखता था डायरेक्ट डिपार्टमेंट मीडिया सबकी स्क्रीन देखने से डाउन हो गई, क्योंकि मैं बॉस हूँ तो पता चला सबके पास फेसबुक चल रहा है, किसके पास ऑर्कट चल रहा है, किसके पास कुछ चल रहा है, किसके पास कुछ चल रहा है। तो उसके बाद जब मैं कभी कभार बैठता था तो बड़ा मैसेज करता था मुझे, पता नहीं क्या इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, मैं क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ, किसमें जंप करूँ, किसमें ना करूँ, किसको इग्नोर करूँ। नेक्स्ट बट अगेन अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हम कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ही हमें अलाउ करेगा, हम उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो अभी इस कारण से नहीं कि उसमें हम अपना इनपुट दे सकें या अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। हमें क्यों जरूरी है कि हम पहले सुने। नेक्स्ट जैसे इसको पर मेरी राय है सोशल मीडिया के बारे में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी मेरी राय से आप में से कोई इख्तलाफ कर करे, हो सकता है उसको मजीद डिटेल में जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं तो जो ग्राउंड पे हो रहा है वही सोशल मीडिया पे हो रहा है। ये क्रूटन मैनिफेस्टो ने क्या कहा था, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड,
ऑनलाइन मार्केट्स के बारे में बात हुई कि नेटवर्क मार्केट्स आर बिगिनिंग टू सेल्फ ऑर्गेनाइज फास्टर देन द कंपनीज दैट हैव ट्रेडिशनली सर्व देम। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया था कि हमने कराची और हैदराबाद के 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक महीने के अंदर इस साइबर टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस दिए, उनको नेगेटिव व्यूज से हटा के उनको बताया है कि वो लड़कियां घर में बैठे बैठे किस तरीके से इंटरनेट से कारोबार करके और अपने अकाउंट में पैसे बाहर से डॉलर जो है वो रिमिटेंसेस मंगवा सकती है। अगेन वही बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई चीज आने वाली है एक साल बाद उसकी ट्रेनिंग अभी से हो। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली होता है कि हमारे इर्द-गिर्द के ममालिक में वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद फिर हमारे पास आती है, तो हम ऑलरेडी मीडिया के थ्रू उन तमाम चीजों में इतना ज्यादा मेंटली इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हम उसका इंतजार 3G अभी तक किसी ने यूज नहीं किया, 3G का इंतजार उस समय 4G 5G पे लोग चले गए, 6G 7G आगे चलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 3G नहीं चलेंगे। तो अगेन अब वही बात है कि जब जो जल सर पे मुसल्लत हो ही जाए तो उसको जिस तरह से मैक्सिमम अपनी एफर्ट लगा के हम लड़ सकते हैं वो तो लड़ने की कोशिश करें। फिर अगेन वर्ड ऑफ माउथ से, जब अब यहाँ पे जैसे आपको बताया 50,000 स्टूडेंट्स कराची के हैदराबाद के ट्रेन साइबर रेवोल्यूशन के सेमिनार के लिए, अब हमें बड़ी खुशी होती है, मेरा सोशल मीडिया पेज है वहां पे आके वो इंटरेक्शन करते हैं, वो पूछते हैं, वो पॉजिटिव तरफ गए, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारों ने एग्जीबिशन में आके पार्टिसिपेट किया, उनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली, उसके बच्चे ने बिगाड़ दिया। अगर उसका बच्चा सही कर रहा है मेरे बच्चे में, तो मतलब इस तरीके से हम एक दूसरे को अपने भाई बहनों को अपने बच्चों को तरबियत देकर कोशिश कर सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने भी चॉइस दी है, जिंदगी दे दी, सही भी और गलत भी है, जो चाहे करें, लेकिन साथ साथ हिदायत भी आ गई, साथ साथ तरीकेकार भी आ गया, तो उसी को हमने भी अपने जिस हद तक हम चला सकते हैं। वो है ना एक शेर, चलो वो याद आएगा बीच में किस वक्त कहूंगा, कि वो कुछ ऐसा है कि अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते, कुछ ऐसे ही शेर है वो, कम अज कम कुछ अजीब साहब के साथ लंच के दौरान बात हो रही थी, आई मेड इट अ पॉइंट टू एक्सचेंज माय कार्ड विद हिम, और इसी तरह से हमारे नेटवर्किंग स्किल्स जो है बढ़ते हैं। दूसरे साहब से मुलाकात हुई, अजीब साहब से मुलाकात हुई, आइंदा में बिजनेस को याद कीजिएगा सर, घर जाके ऐड कर दीजिएगा फेसबुक पे, ऐड करेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे, आइडिया होगा, हाँ भी ट्रेनिंग है, इस काबिल समझा नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाएंगे। तो यू नो दिस इज हाउ यू गेट टू गेट मोर बिजनेस, अगर आप फेसबुक को स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। यहाँ एक बात और कि अभी बात हुई थी कि स्टेटस अपडेट करना, स्टेटस अपडेट करने में ये चीज का ख्याल रखना चाहिए, मैं अभी सोकर उठा, मैं भी खाना खा रहा हूँ, मैं भी मूड हो रहा हूँ, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आपने जो प्रैक्टिकल चीज की सारा दिन में उसके बारे में अगर फेसबुक स्टेटस लगाएंगे अपना, तो पीपल विल गेट टू नो कि अच्छा आप इन एक्टिविटीज में है। जैसे कि आप जाते के साथ ही जो मेरा आज का फेसबुक स्टेटस होगा वो ये होगा कि कंडक्टेड अ ट्रेनिंग सेशन फॉर द 30+ एक्सीलेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स SCRIIM। परसों मेरी शहर में वर्कशॉप है, उसका जो स्टेटस होगा वो उसके लिहाज से होगा। 500 लोग मेरे पास ऐड हैं, उसमें से कम से कम 25-30 लोग तो कमेंट करेंगे, 50 लोग कमेंट करेंगे, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कितने होंगे आप इमेजिन कीजिए, वो देखेंगे। अब अगर मैं ये फेसबुक का स्टेटस लगाती हूँ, स्टेटस सबको क्लियर है ना, स्टेटस क्या होता है वो सबको क्लियर है, फेसबुक का जो भी आपकी एक्टिविटी ऊपर आ रही होती है वो स्टेटस आपका। अब अगर मैंने ये स्टेटस लिखा कि जी आज लंच में बिरयानी बड़ी मजे की थी यार वाह वाह, पॉल्यूशन पैदा किया जाए, जब इंटरनेट पर वो ई बुक्स मौजूद हैं तो क्या वो किताबें नहीं हुई, या किताबों का ये काम करते हैं कि वो कागज में हो और लगी रहे और फिर पॉल्यूशन बढ़े दुनिया में, दरख्त कटे हमारे। मैं तो कोशिश करती हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चों को 800 पीस देने के लिए, अगर इंटरनेट पे पढ़ो क्यों जरा कर रहे हो किताबें, कागज क्यों जरा कर रहे हो बेकार में। तो शायद पिछले जनरेशन के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम कितने बुरे नहीं हैं जितना वो हमें समझते हैं, हम लोग थोड़े मुख्तलिफ हैं, उनसे थोड़ा फास्ट हैं, लेकिन गालिबन इतने बुरे हैं। एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप गौर कीजिएगा, अब सबने चूंकि फेसबुक यूज करना सीख लिया है, आप अपने घर में जाकर गौर कीजिएगा कि फेसबुक का ये पेज है और राइट साइड पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे, वहां पे आपको हम सब ड्रामा का एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा, आपको बहुत से जो टीवी टॉक शोज होते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट वहां पे मिलेंगे सोशल मीडिया पर। क्या आपने कभी भी किसी सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट किसी टेलीविजन
स्क्रीन पे देखा है क्या? देखा है कभी? मैंने भी कभी नहीं देखा. क्यों? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है. सोशल मीडिया को जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की. थैंक यू वेरी मच. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया की जरूरत है. अब सोशल मीडिया नहीं है डिपेंडेंट इसके ऊपर. आपकी बिजनेस की हमने जैसे अभी बात की तो उसमें एक तो सक्सेस स्टोरी हमने शेयर की कि खवातीन या मर्द हजरात अपने घर से कोई बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए भी फेसबुक सोशल मीडिया या लिंक्डइन ट्विटर बहुत बेहतर. आफ्टर के 5 मिनट्स इन पीपल क्वेश्चन और एक पूरा जो तुम्हारा तारीखी और समाजी और शबाबी पस मंजर था वो आयता था खत्म होने जा रहा है तो उसके फायदे से ज्यादा नुकसान है. अब मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि मसलन मैंने जब टेलीविजन शुरू किया 2001 में थोड़ा सा ये बात कह रहा था पहले कि शायद मैं पहला एंकर था तो हम लिटरेचर पीस प्रोग्राम करते थे शहर शहर गाँव गाँव भी जाते थे. अभी ख्याल ये आया कि जो जिस तरह का मीडिया आ रहा है तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया बदलता पाकिस्तान में उन लोगों को सामने लाया जाए. हर वक्त हम पाकिस्तान में ये बता रहे हैं यहाँ कारोबारी हो रही है या टारगेट क्लिंग हो रही है या तकलीफारी हो रही है हम सिर्फ क्रिमिनल लोग पैदा कर रहे हैं हमारे. तो जब दिस बनानी शुरू की तो आपको मुझे खुशी हुई कि 25-26 ऐसे लोग हमने असल उम्र को बनाया. एग्रो केमिकल जो अभी पिछले साल कहते थे कि मेरे इदारे ने 6,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है. हमने डॉक्टर मरियम लोगी को बुलाया कि जनाब वो लोग पहली खातून एम्बेसडर है जो बरतानिया और अफ्रीका में एम्बेसडर रही उसी टुकड़ी को पिटावरी के लोगों से बड़ी 26 लोगों की आई. पता चला कि वो प्रोग्राम जो था मेरा देखने वालों की तादाद हमारे लोग आती है रेटिंग 0.1 यानी कोई 1,00,000 लोगों ने मुश्किल से देखा होगा. बार बार जो है 1,00,000 भी नहीं देख रहे थे. तो जब हमारे मैं थोड़ा सा खुल के बात कर रहा हूँ कोडर कोड के जब हमारे जो बॉसेस थे जो मुझे तनख्वाह देते हैं ये करते हैं उन्होंने जब देखा कि ये वाला प्रोग्राम जो आप प्राइम टाइम करते हैं 8 से 9 और फिर बदकिस्मत याद देखिए मैं कोई बिल्कुल उनकी किसी शख्सियत की के बारे में कहना नहीं चाहता. मीडिया में एक खातून दूसरी खातून से बदजबानी कर रही है वो सारा दिन हम देखते रहे. लेकिन आज जब खवातीन का दिन है क्या हमने बताया कि फातिमा जिना मदन फातिमा जिना का क्या रोल था हमारे पाकिस्तान देश में? क्या हमने बताया कि बेगम रानी या कदरी खान के बताया? क्या हमने बताया कि डॉक्टर